Today, we will discuss classification of elements and periodicity in properties. Class 11th, chapter 3. So in this chapter, we will discuss important topic, that is, we will discuss a class or block of periodic table. We will take out S block elements. S block elements, their electronic configuration, and after that we will take trends in chemical, trends in physical properties, trends in physical properties. So it is chapter number 3. We will take a topic out of it. S block elements. It's an important topic. S block elements. What S block elements are. So you should know, in periodic table we have four blocks of elements. One is S, next is P, D and F. Char block hai periodic table mein. Ek S hota hai, P, D and F. Yahan pe hum particularly lenge S block elements. एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन अगर आप देखोगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की सो ये वो एलिमेंट्स होते हैं इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस सबशेल तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए एस सबशेल में तो इसमें हमारे पास टोटल पीरियडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स है यू ऑल शुड नो इट टोटल पीरियडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है वर्टिकल कॉलम्स को आप ग्रुप्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज यू कॉल दोज एज पीरियड्स तो यहां पे हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास आते हैं दो ग्रुप एक आएगा हमारे पास ग्रुप फर्स्ट और एक आता है हमारे पास ग्रुप सेकंड काफी इजी टॉपिक है ये ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड तो ग्रुप फर्स्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज लिथियम आई विल राइट डाउन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रंसियम आई एम राइटिंग डाउन सिंबल्स ओनली तो ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रंसियम और ग्रुप सेकंड में आता है हमारे पास बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड ट्रेडियम सो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड को हम डिस्कस करेंगे ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास एलिमेंट्स है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रंसियम और ग्रुप सेकंड का है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम सो फ्रंसियम जो है और रेडियम जो है ये दो एलिमेंट्स दीज आर बोथ रेडियो एक्टिव दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि इनकी जो हाफ लाइफ है दैट इज टू शॉर्ट इनकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत कम होती है सो अगर हम पहले आते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स के ऊपर ताकि हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करें तो पहले हम आते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स के ऊपर तो लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर आपने देखना है एटॉमिक नंबर को आपने इजी बनाना है तो यू नीड टू रिमेम्बर पीरियडिक टेबल में ग्रुप 18 आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये नोबल इनर्ट गैसेस का होता है तो इसमें हमारे पास मेंबर है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेडॉन सो पीरियडिक टेबल के या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए आपको पीरियडिक मोस्ट ऑब्वियसली जो ये हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं ये सभी को याद होते हैं और इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद होते हैं तो जैसे हीलियम का है एटॉमिक नंबर 2 नियॉन का है 10 आर्गन का 18 क्रिप्टॉन का 36 ज़ीनॉन 54 और रेडॉन का है 86 इनके एटॉमिक नंबर्स इजी होते हैं
मतलब याद भी होते हैं हमें, और ये नोबल गैसेस का ग्रुप जो है हमें याद भी होता है। तो इस वजह से अगर ये याद है आपको, यू कैन असाइन एटॉमिक नंबर टू एनी वन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर असाइन कर सकते हो। सो हीलियम ये एंडिंग एलिमेंट है, दिस इज ग्रुप 18, टोटल पीरियडिक टेबल में 18 ही ग्रुप्स है, और ये ग्रुप फर्स्ट है, इसका मतलब 18 से अगर हम वापस आ जाए तो 18 से वापस आ जाए तो हम आएंगे फर्स्ट पे। तो फर्स्ट आता है ये वाला जो हमने पढ़ना है यहाँ पे। सो अगर हम हीलियम से घूम के आ जाए ग्रुप फर्स्ट पे, तो यहाँ हीलियम के बाद वाला ही जो एलिमेंट होगा दैट इज लिथियम। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का, ये नोबल गैस है, तो इसका क्या होगा, बिकॉज ये लिथियम जो है हीलियम के बाद में आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 3। नियोन से घूम के आ जाएंगे, ये 18th एलिमेंट है, 18th ग्रुप का, सॉरी ये सेकेंड एलिमेंट है नोबल गैसेस का नियोन, लेकिन आता है ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 के बाद अगर हम वापस आते हैं रिवर्सिबल ऑर्डर में ग्रुप फर्स्ट के पास पहुंच जाते हैं, तो नियोन के बाद आएगा एलिमेंट सोडियम। तो नियोन का है 10, इसका 1 ऐड कर दो तो बनेगा 11। आर्गान, सिमिलरली आर्गान जो है इसका एटॉमिक नंबर है 18, इसके बाद आएगा पोटेशियम, इसका बनेगा 19। सिमिलरली क्रिप्टॉन के बाद जब हम घूम के आ जाएंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे रुबिडियम के पास, क्रिप्टॉन का है 36, बिकॉज नोबल गैसेस का इजी होता है आपको याद करना या रिमेम्बर या याद रखना कि नोबल गैसेस ये हैं और इनके एटॉमिक नंबर ये हैं। इसके आधार पे, इसके बेसिस पे आप बाकी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो याद कर सकते हो या वो लिख सकते हो इजीली। तो ये आता है क्रिप्टॉन के बाद रुबिडियम, उसका है 36, ऐड करो एक तो बनेगा 37। सीजियम ये आता है जीनोन के बाद, उसका 54 है तो इसका बनेगा 55, और फ्रांसियम का 86 के बाद 87। अब जब इनका आ गया तो यहाँ पे आसान सा है, लिथियम के बाद बेरिलियम 3 इसका, तो इसका 4। सो इन नटशेल, अगर नटशेल में बात की जाए तो आप नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स को याद रखें, इनका आप इजीली कर सकते हो। तो सोडियम का 11, इसका आएगा 12, ऐसे 20, 38, इसका आएगा 56, और इसका आएगा 88। ये इनके एटॉमिक नंबर्स। अब बात आती है जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इनकी जो जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती है ग्रुप फर्स्ट की या ग्रुप सेकंड की, इन दोनों की, मतलब जनरल एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम देखें जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होती है सभी के पास प्रेजेंट होता है नोबल गैस कोर। नोबल गैस कोर सभी के पास होगा, ग्रुप फर्स्ट के पास भी, और इसमें होता है NS1-2। ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ग्रुप फर्स्ट का फिलहाल दूसरा नाम जो है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, अल्कली, दीज आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। क्यों? बिकॉज दीज मेटल्स आर बेस फॉर्मिंग, ये सारे के सारे मेटल्स जो है दीज आर बेस फॉर्मिंग, एंड दिस ग्रुप सेकेंड इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज इनकी एक्सट्रैक्शन ज्यादातर दीज आर फॉर्म फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, और ये भी इनका नेचर भी बेसिक ही होता है। सो दीज आर अल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट, और ग्रुप सेकंड का है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो वी विल फर्स्ट टेक आउट ग्रुप फर्स्ट और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम। ये है सिंबल्स, दीज आर सिंबल्स। अब एलिमेंट का पूरा नाम भी लिख रहा हूं मैं यहां पे,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसके बाद आएगा सीजियम और लास्ट पे आएगा फ्रांसियम। इनका एटॉमिक नंबर, ये नेम है, दिस इज सिंबल, और इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो लिथियम का ये आता है हीलियम के बाद, तो उसका है 2, इसका 3 होगा, और इसका आएगा 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, इसका आएगा 55, और इसका आएगा 87। तो ये इनका एटॉमिक नंबर। तो बात चल रही थी जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया कि सभी के पास होता है नोबल गैस कोर और NS1 to 2। NS1 to 2 का मतलब है जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट के लिए NS का वैल्यू 1 रहेगा और ग्रुप सेकंड के लिए NS का वैल्यू जो है वो 2 रहेगा। तो मैं लिख के रखता हूं इनकी जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या बनेगी हमारे पास, इनकी जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, नोबल गैस होगा इनके पास, उसके बाद NS का वैल्यू 1। तो पहले डिस्कस करते हैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां लिखता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम एटॉमिक नंबर है 3। अगर इसकी फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहो, दैट इज 1s2 2s1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती, पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होता है उस एस शेल में, सब शेल में जिसकी एनर्जी जो है वो कम हो, तो 1s की कम होती है एज कम्पेयर टू 2s, तो s अकोमोडेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के पास टोटल है 3, ये 3 बांटने हैं, पहले 2 मिलेंगे 1s को बिकॉज s अकोमोडेट करता है 2, 2 यहाँ चले जाएंगे और 1 रहेगा 2s के पास। और ये कॉन्फ़िगरेशन का आप फिर ऐसे कर सकते हो, अगर आपको याद है मैंने ऊपर लिखा हुआ है जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक नोबल गैस फिर NS1। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, जो 1s2 है, 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस के पास होते हैं और नोबल गैस का नाम है हीलियम। तो इस 1s2 के बदले लिखते हैं हम ऐसे हीलियम, ब्रैकेट ब्रैकेट में रखते हैं इसको और बाहर लिखते हैं 2s1। तो यही बन जाती है नोबल गैस NS1। N का वैल्यू वेरिएबल है, डाउन द ग्रुप वेरी होता है, तो इसके लिए N का वैल्यू है 2 3 4 5 6 7, तो हीलियम 2s1। आगे चलते हैं सोडियम के पास, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देख लें, 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन देने हैं हमने सोडियम को, हमने दे दिए 1s2 2s2 2p6 3s1, तो टोटल आ गए 11। ये 10 अगर आप देखें, ये 10 एटॉमिक नंबर है नोबल गैस नियॉन का, तो इन 10 के बदले हम लिखते हैं नियॉन, और वी विल राइट डाउन हियर नियॉन, लिखा हमने नियॉन, इसका मतलब आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे, 1, तो हम 1 के बदले लिखते हैं 3s1। यहां आया हीलियम 2s1 बिकॉज n का वैल्यू डाउन द ग्रुप वेरी होता है, दिस इज n 2 3 4 5 6 7, तो यहां अगर अलोंग ए पीरियड आप जाए n का वैल्यू होता है 7। नीचे देखते हैं हम, अब हम कॉन्फ़िगरेशन को फुल लिखते हैं फिर से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन देने हमने पोटेशियम को, 2 4 6 10 12 18 और 1 19। तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं एक नोबल गैस के पास, और नोबल गैस का नाम है अर्गान, तो हम इसके बदले इसकी शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलते हैं नोबल गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन, और ये होती है फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी क्या बनेगी, आर्गान 18 के बदले आर्गान लिखेंगे, और बाहर क्या रहेगा, 4s1 4
4 S1। आगे रुबीडियम, नोबल गैस पहले रुबीडियम पे, अब मैं नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन ही लिखूंगा। हीलियम 2S1, नियोन 3S1, आर्गन 4S1, और आर्गन के बाद अब आएगा यहाँ पे 36 पे क्रिप्टॉन, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 37, 36 आ गए क्रिप्टॉन के, और बाहर रहेगा यहाँ 4S1, यहाँ n का वैल्यू 5S1, ये बनेगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या बनेगा, इसका आएगा ज़ीनॉन, 54 आ गए ज़ीनॉन के और 6S1। अब लास्ट रहा फ्रेंशियम, इसका आएगा रेडॉन नोबल गैस और यहाँ आएगा वैल्यू 7S1। सो काफी सिंपल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन नोबल गैसेस ही यूज हुए, और यहाँ नोबल गैस कोर से बाहर ये चीज आती है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। सो ये होती है फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज नोबल गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड। स्टे होम, स्टे सेफ।